आज 16 दिसंबर है, एक अफसोसनाक दिन। कि आखिर क्या वजह है कि हम इसे भूलना क्यों चाहते हैं, नजरें क्यों चुराना चाहते हैं, इस पे बात क्यों नहीं करते? सच ये है कि कोई भी अपनी नाकामियों को याद नहीं करता। लोग फतह के चर्चे बहुत करते हैं, जीत के चर्चे बहुत करते हैं। अगर हम अपनी पाकिस्तान की 73 साल तारीख देखें तो उसमें कई हादसात और सानेहात रूनुमा हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जो शायद हम कभी ना भूलें। उनमें से 16 दिसंबर 2014 का दिन एक है। दूसरा वाकया जो है वो ये है कि इसी दिन पाकिस्तान भी दो लख्त हुआ था 1971 में। सानिया 16 दिसंबर 1971 का दिन, जब दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के दो लख्त हुई। उस दिन हमारी बदतरीन शिकस्त का दिन, हमारी नाकाम कौमी और सियासी पॉलिसियों के मंतकी नतीजे का दिन। एक जो लेसन है वो ये है कि जब आप कोई जंग पॉलिटिकली हार जाए तो आप किसी भी तरीके से मिलिटरली उसको जीत नहीं सकते। तो वो जंग चूंकि हम हार गए थे पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो उसमें जितनी मिलिट्री काविश थी वो उसने इन एनी केस जीरो रिजल्ट देना था। ये मैं समझता हूँ कि तीन ऐसे सबक हैं जो हमें याद रखने चाहिए। और ये जो दिन है 16 दिसंबर का, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसमें दो हादसात हुए। एक हादसा हुआ 1971 में और फिर 48 बरस बाद या 43 बरस बाद 6 साल पहले एक और हादसा, वो पेशावर में एक हादसा हुआ। हमारे बहुत से फूलों जैसे बच्चे उसमें चले गए। सच ये है कि कोई भी अपनी नाकामियों को याद नहीं करता। लोग फतह के चर्चे बहुत करते हैं, जीत के चर्चे बहुत करते हैं। और यानी ये जो वर्ल्ड कप है, देखें 92 का हमने जीता हुआ है क्रिकेट का, उसका हम चर्चा करते हैं, जो हम हारे हुए हैं उसका जिक्र ही नहीं करते। पाकिस्तानी 16 दिसंबर को भूलना चाहते हैं मगर भूल नहीं पाते। भारत में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे कुछ भारतीय लोग इस दिन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। ऐसे सब्जेक्ट स्कूल में ही विस्तार से पढ़ाना चाहिए ताकि भारत का इतिहास और हमारे वीर जवानों का बलिदान हमारे लोग याद रखें। जिन भारतीयों को 16 दिसंबर के बारे में विस्तार से जानना है वे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आया था। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आज ही के दिन पाक के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने टेके थे घुटने। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आया था। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। भारत में उसी समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ गए थे और उन्हें भारत में सुविधाएं दी जा रही थी क्योंकि वे भारत के पड़ोसी देश से आए थे। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने की धमकियाँ देना शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि युद्ध न हो और कोई हल निकल जाए, शरणार्थी सही सलामत घर को लौट जाए, परंतु ऐसा हो न सका। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए थे। ये स्थिति देखकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। तत्कालीन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी
किसिंजर के साथ हुई एक बैठक में इंदिरा ने साफ साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। भारत के कई राज्यों में शांति भी भंग हो रही थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था उसको पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला नहीं कहा, क्योंकि इन सब के कारण भारत की शांति भंग हो रही थी। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत ने शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर दी और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का भी मुकाबला किया। भारतीय नौसेना ने 5 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी कर पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय को तबाह कर दिया था। इसी समय इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में बनाने का ऐलान कर दिया था, यानी अब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र होगा। अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। क्या आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियां शामिल हुई थी। ये सब देखते हुए 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला किया। उस समय पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ऐसे हुआ था 1971 के युद्ध का आरंभ। 1971 के युद्ध का आरंभ पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के कारण शुरू हुआ था। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमला किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के सपोर्ट के लिए तैयार हो गई। दरअसल 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा किया, किंतु जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि सेना की मदद लेनी पड़ी। तब अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्व पाकिस्तान के बड़े नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रिश्ते ख़राब हो गए। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चलते 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्त पूर्व हवाई हमले से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन के लिए तैयार हो गई थी। युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। पाकिस्तान में 1970 के दौरान चुनाव हुए थे जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने बड़ी संख्या में सीटें जीती और सरकार बनाने का दावा किया, परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उस समय हालात इतने ख़राब हो गए थे कि सेना का प्रयोग करना पड़ा। आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्व पाकिस्तान के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दिक्कतें शुरू हो गई। धीरे धीरे इतना विवाद बढ़ गया कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन शुरू कर दिया था। ये लोग इतने सेना से अत्याचार से पीड़ित हो गए थे कि मजबूरन उनको पलायन करना पड़ा। दोस्तों, 16 दिसंबर मतलब भारत का विजय दिवस। इस दिवस के बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय इस दिवस के बारे में जानकारी रख सके।